50 मिनट्स मोर और लेस, 49 मिनट्स हैं हमारे पास। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, टेक अ लुक, जो बैकअप बनाया था हम लोगों ने, कितने का बना यार। हाँ, मैं अब जहाँ तक देख रहा था अजान हो रही थी, तो मैं आपको पिन पॉइंट नहीं कर सका था किधर किधर। बैकअप सेट 3, इट्स 2.7 MB। 5-10 मिनट बाद खोल लीजिएगा, अभी नहीं, अभी ज़रा कूलिंग है थोड़ी बहुत, वो भी निकल जाएगी ना, पर जल्दी सफोकेशन वाला काम शुरू हो जाएगा जब फील करें ना आप, सब खोल दीजिएगा। ओके जी, 2.7 MB, सो इट्स गॉन्ट टू बी डन, सो लेट्स इनिशिएट आवर नेक्स्ट वन टास्क। इट्स कॉल्ड डुप्लेक्सिंग ऑफ बैकअप्स, बैकअप्स की डुप्लेक्सिंग करना। दो तरह की कमांड यूज होती है, कॉन्फिगर वो डायरेक्टिव कि क्या करना है, बैकअप कॉपीज कितनी बनानी है, या बैकअप और आगे कॉपीज का क्लॉज, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आरमैन इज कैपेबल एनफ कि वो एक बैकअप सेट की, चाहे वो टेबल स्पेस लेवल पे बनाओ या होल डेटाबेस लेवल पे बनाओ, उसकी 4 डुप्लेक्स्ड कॉपीज प्रिपेयर कर सकता है। वो डुप्लेक्स कॉपीज क्या होंगी, जो उसने एक बैकअप पीस बनाया हुआ है उसी पीस को 4 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दे। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि ओरिजिनल बैकअप भी FRA में पड़ा हुआ है और आप कॉपी भी कहें जी FRA में, फ्लैश रिकवरी एरिया में बन जाओ, वो एक कॉपी भी नहीं बनाएगा FRA में। अगर डिस्क है, टाइप डिस्क है, तो फिर डिस्क की वो 4 सेपरेट लोकेशंस बताएंगे आप। अगर ओरिजिनल कॉपी FRA में पड़ी हुई है और आप 4 डुप्लेक्स कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क के ऊपर FRA के अलावा कोई और जगह बताएंगे जहां पे वो कॉपी पेस्ट करेगा, नहीं तो कमांड इग्नोर हो जाएगी, एरर नहीं देगी, कमांड कुछ करेगी भी नहीं। और अगर आप SBT यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उतनी टेप ड्राइव्स, डेडिकेटेड टेप यूनिट्स होने चाहिए। अगर टेप बिचारी हुई एक टेप स्पिनर है, टेप रैप्टर यूनिट नहीं है, टेप स्पिनर है, और वो एक टेप स्पिनर है जिसमें एक टेप डलती है एट अ टाइम, आप कहते हैं कि बैकअप कॉपी बना दो 2, 3, 4, सारी कमांड इग्नोर हो जाएंगी। नो, सिर्फ एक कॉपी बन सकती है। टेप रैप्टर यूनिट है जिसमें 4 टेप साइमल्टेनियसली इंसर्ट हो सकती हैं, 4 चैनल सेपरेट एलोकेट हो सकते हैं, यू कैन राइट डाउन 4, नो इशू। लेकिन अगर उतनी टेप्स नहीं है तो कमांड आपकी हो जानी है इग्नोर। अब ये देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका कॉन्फिगर के साथ, कॉन्फिगर लाइक यू कैन राइट हियर, कॉन्फिगर डेटा फाइल बैकअप, आर्काइव लॉग बैकअप, क्या आप कह रहे हैं, कॉपीज क्लॉज, कॉपीज किसकी, कॉपीज कितनी कितनी बनाओ, किस पे, फॉर डिवाइस टाइप डिस्क, डिस्क के ऊपर कितनी है, 1, 1 डिफॉल्ट। अगर मैं यहां पर 2 करूंगा तो अगेन डिस्क के ऊपर मसला दे देगा, वो कहेगा कि फिर पाथ, एक तो FRA का पाथ है ना, दूसरा पाथ और बताएं। अगर आपने यहां पे ये भी लिख दिया फॉर डिवाइस टाइप डिस्क और आगे 2 कर दिया, तो कमांड नहीं चलेगी, वो 2-2 बैकअप नहीं लेगा, वो एक ही बैकअप लेगा। रीजन डिस्क है और डिस्क के ऊपर आप FRA यूज कर रहे हैं, या तो उसको पाथ डिफरेंट दें। और अगर मैं यहां पर SBT लिख भी दूं और आगे मैं 2 डाल भी दूं, मेरे पास 2 स्पिनर्स नहीं है, वो नहीं चलेगा। तो उससे पहले ये देखिए, यही वो चीज है जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लाइक लुक एट, आपने लिखा कॉन्फिगर आर्काइव, ये वही कमांड है जो भी मैं आपको बता रहा था, फॉर डिवाइस टाइप SBT 2-2 कर दिया, फॉर डिवाइस टाइप SBT 2-2 कर दिया, यानी डेटा फाइल आर्काइव लॉग फाइल की 2-2 कॉपीज बनानी है, किस पे, स्पिनर पे। अब आप लिखते हो बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, अगर 2 स्पिनर यूनिट हैं टेप ड्राइव के ऊपर, तो वो क्या करेगा, 2 बैकअप कॉपीज बना देगा डिफरेंट टेप्स पे। एक टेप ड्राइव है, यहां पे 2 लिख रहे हैं, एक टेप ड्राइव के ऊपर बन जाएगी, दूसरी के ऊपर कुछ नहीं बनेगी, है ही नहीं, तो बननी कहां से, ठीक है। पाथ हमने यहां पे तो सिंपल इतनी सी कमांड दी ना, SBT, जब आप SBT लिख देते हैं फिर आप पाथ नहीं बताते, वो इसका MML की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ढूंढेगा, वहां पे पाथ नहीं होता, वहां पे होता है टेप का नंबर, वॉल्यूम, ट्रैक, वो उसको बना के उसको कंसीडर करता है। और अगर से मैंने ये ऊपर वाली 2 कॉन्फिगर की कमांड दी, मैं चौथी वाली कमांड, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, बैकअप डिवाइस टाइप डिस्क। अब यहाँ पे SBT लिखा हुआ था ना,
जब आपने टाइप डिस्क लिखा तो ये सारी चीजें तो हो गई ओवरराइड, क्योंकि अगर आप खाली इतना लिख देते बैकअप डेटाबेस या बैकअप एज कॉपी डेटाबेस, तो चलो फिर तो वो ऊपर वाली कमांड को एग्जीक्यूट करता। लेकिन जब आपने यहां पे ओवरराइड किया ना डिवाइस टाइप डिस्क, इसका मतलब है कि ऊपर वाला फैक्ट तो हो गया खत्म। एज कॉपी डेटाबेस, अब वो क्या करेगा, अब यहां पे कॉपी क्लॉज कुछ काम नहीं कर सकती। रीजन, यहां पे सिर्फ एक कॉपी बनेगी, वो भी डिस्क के ऊपर बनेगी। यहां पे दो दो कॉपीज नहीं बन सकती क्योंकि वो सिर्फ एसबीटी के लिए थे टू, वो डिस्क के लिए टू नहीं था। ठीक, सो दिस वन इज अ वे, आपकी कमांड इग्नोर हो जाएगी, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं होना, आपको इसने एरर नहीं देना। सेम अगर आप यूं लिख देते हैं बैकअप एज बैकअप सेट डिवाइस टाइप एसबीटी कॉपीज टू, दो कॉपीज बनाओ। अगर दो स्पिनर हुए टेप के, आप लिख दें बैकअप, ओरिजिनल कमांड सिर्फ इतनी है, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल जीरो डेटाबेस, कि बैकअप लो इंक्रीमेंटल कौन सा, बेस लेवल बैकअप पूरी डेटाबेस का। अब जब आपने दरमियान में लिखा एज बैकअप सेट, बैकअप सेट के तौर पे डिवाइस टाइप एस बी टी कॉपीज दो बनाओ, तो दो स्पिनर होने चाहिए, दो स्पिनर हुए तो वो टू कॉपीज टेकअप कर लेगा, ना हुए तो कमांड इग्नोर हो जाएगी। कोई भी एस बी टी टेप यूनिट लगा ही नहीं हुआ, एमएमएल कॉन्फिगर्ड भी नहीं, तो भी कमांड इग्नोर हो जाएगी, नो मैटर। या दूसरा तरीका ये होता है कि पहले बैकअप ले लें और बैकअप लेने के बाद उसकी एक डुप्लेक्सिंग कॉपी बना लें। लाइक से आपने यूं लिखा बैकअप, क्या किसको बैकअप करना है, आपने लिखा जी डिवाइस टाइप डिस्क एज बैकअप सेट, एज कॉपी नहीं, एज बैकअप सेट डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग, डन। जब पहली कमांड आपकी चली तो क्या हुआ, ये बैकअप सेट के तौर के ऊपर सारी की सारी डेटाबेस और आर्काइव लॉग का बैकअप लेके रख दिया गया आपके एफआरएमई से, एफआरएमई जिसे आप सिंपल था लिखते हैं बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग। आप सिर्फ ये चार कीवर्ड की कमांड लिखते हैं तो एफआरएमई तमाम आर्काइव लॉग्स का, तमाम डेटाबेस का बैकअप ले लेता है। तो पुराना वाला कन्वेंशनल वे यही होता था कि पहले आप रेगुलर बैकअप ले लेते थे जिस तरह से आप रूटीन वाइज लेते हैं, और उसके बाद आप क्या लिखते हैं बैकअप, बैकअप सेट ऑल, बैकअप तीन कीवर्ड की कमांड है, बैकअप लो किसका, जितने भी बैकअप सेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास एफआरए में उनका एक और बैकअप ले लो। दिस वन इज डुप्लेक्सिंग, अगेन डुप्लेक्सिंग, लेकिन अब आपने बताया है कि कहां पे लेना है। अगर मैं खाली इतनी कमांड लिख दूं तो ये एफआरए पे कुछ नहीं करेगी, वो कहेगी कि भाई ओरिजिनल बैकअप भी एफआरए में पड़े हुए हैं तो उनकी मैं कॉपी भी एफआरए के अंदर बनाऊं, वो नहीं बनाएगा। अगर आप साथ यूं लिखते हैं डिवाइस टाइप एसबीटी कि किसी टेप ड्राइव के ऊपर उनका सबका एक और बैकअप ले लो, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, नो इशू। या अगर आप ये नहीं लिखते तो आप यहां पे लिखें डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मैट, फॉर्मैट के अंदर आप कोई और पाथ U0 टू ऐप और कोई और पाथ बताएं उसको, देन इट वुड वर्क। आप यूं ही लिखें डिवाइस टाइप डिस्क फॉर्मैट, फॉर्मैट के बाद किसी एफ आर ए के अलावा किसी और का पाथ दें, देन तो ये कमांड चलेगी, एल्स ये कमांड इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, ये कमांड नहीं चलेगी। रीड ऑनली टेबल स्पेसिस स्किप, इसमें होता है स्किप रीड ऑनली का एक क्लॉज होता है, जब भी आप बैकअप डेटाबेस करते हैं या बैकअप टेबल स्पेस करते हैं तो यू कैन राइट डाउन स्किप रीड ऑनली, कि मीन जो रीड ऑनली टेबल स्पेसिस हैं वो आपके स्किप कर दिए जाएं। बैकअप रिटेंशन पॉलिसीज में हमने तीन तरह की पॉलिसीज पढ़ी थी, नेवर एक्सपायर बैकअप, या जितना आपके पास टाइम विंडो पॉलिसी, और एक हमने रिडंडेंसी पॉलिसी पढ़ी थी। अब रिडंडेंसी पॉलिसी क्वाइट क्लीन है, लेकिन टाइम विंडो में वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि अगर आपने 7 डेज की विंडो सेट की और बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप नहीं है तो उससे पुराना वाला बैकअप इज अ वैलिड बैकअप, वो आपका वैलिड बैकअप है। ठीक है, जैसे कि इस केस में बैकअप एस इज अ वैलिड बैकअप और इससे पुराना वाला दे आर इनवैलिड बैकअप, वो आपको नहीं चाहिए। बट वी हैव वन थिंग कॉल्ड आर्काइवल। अब आर्काइवल में दो तरह के हो सकते हैं, या तो गलती से बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप नहीं लिए तो जो उससे पिछला वाला ये भी आर्काइवल है, या से मैंने आज डेटाबेस में हैवी चेंजेस करनी है, कोई 5, 10, 20 टेबल स्पेसेस, या आज Q1 एंड हुआ है, Q2 एंड हुआ है, Q3 एंड हुआ है, Q4 एंड हुआ है, या ईयर एंड हुआ है, टुडे इज ईयर एंड क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा बैकअप ले लूं कि अगर मैं इसके क्लोन्ड सर्वर्स प्रिपेयर करना चाहूं तो उसमें इस ईयर का ही सिर्फ डेटा हो, इस ईयर से अगला डेटा ना हो। ठीक है, तो इट्स नोन टू बी एज आर्काइवल बैकअप। आर्काइवल बैकअप आप तब बना सकते हैं वंस यू हैव रिकवरी कैटलॉग, रिकवरी कैटलॉग है तो यस यू कैन क्रिएट इट। आप चाहे 1 ईयर तक टाइम दें, आप चाहे उसको जितने मर्जी डेज दें, उसके लिए क्या होता है कीप फॉर एवर क्लॉज भी होता है, कीप अंटिल टाइम क्लॉज भी होता है,
कीप अनटिल टाइम या कीप रीस्टोर पॉइंट, रीस्टोर पॉइंट का नाम भी आप लिख सकते हैं. लुक एट लाइक दिस वन, आपको यूं लिखना होता है. चेंज की कमांड होती है, चेंज. आप रिकवरी कैटलॉग के ऊपर लॉग इन होते हैं एज अ वीपीसी ऑनर या जो भी आपकी रिकवरी कैटलॉग का ऑनर है, बेस रिकवरी कैटलॉग का, उससे लॉग इन हो जाए. चेंज बैकअप, अगर टैग उसको यूनिक टैग असाइंड है, या चेंज बैकअप सेट, आगे बैकअप सेट का नंबर कीप फॉर एवर. यह एक ऐसा बैकअप है जो फॉर एवर आपका कभी एक्सपायर्ड ही नहीं होगा. और कल को जब कभी इसको नो कीप करना हो तो सिंपल एंड पे कमांड, जहां पे कीप फॉर एवर का किया था वहां पे आप कर दें नो कीप. नो कीप मीन कि अब इसकी मजीद जिसे कहते हैं वो जरूरत नहीं है. अब ये जैसे ही आप कीप फॉर एवर करते हैं तो उसके ऊपर डिफॉल्ट पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती. डिफॉल्ट पॉलिसी से रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज है या रिडंडेंसी 2 है. जैसे ही आप फॉर एवर क्लॉज या कीप अनटिल टाइम दे देते हैं तो ये वाली पॉलिसी से इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती. और जैसे ही आप नो कीप की कमांड देते हैं तो ये वाली जो डिफॉल्ट पॉलिसीज होती हैं कि जी 7 डेज की रिकवरी विंडो है, कि 31 डेज की है, कि रिडंडेंसी लेवल 1 है 2 है 3 है, जैसे ही आप नो कीप देते हैं तो डिफॉल्ट पॉलिसी इसके ऊपर इफेक्टिव हो जाती है. अगर पहले मैंने कहा जी 365 डेज, इस वक्त 6 माह गुजर चुके हैं, अब मैं लिखता हूँ नो कीप, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी लेवल 1, और हमारे पास 10-10 बैकअप्स पड़े हुए हैं, तो वो तो फौरन कह देगा कि इट्स गॉन टू बी एक्सपायर्ड. जैसे ही आप नो कीप चलाएंगे साथ ही वो कह देगा कि एक्सपायर्ड. ठीक. सो आप किसी भी बैकअप को रिटेन भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं होता कि बैकअप को आप यही कहेंगे हमेशा वो आपकी डिफॉल्ट पॉलिसीज पे चलेगा. नो, आर्काइवल बैकअप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वंस आई एम गोइंग टू लाइक क्रिएट आर्काइवल बैकअप, तो आर्काइवल बैकअप अपनी डेटा फाइल्स प्लस आर्काइव लॉग्स, जब आप आर्काइवल बैकअप टेकअप लेने की कमांड लिखते हैं ना तो वो साथ उस वक्त की जो आर्काइव लॉग फाइल्स भी होती हैं उसको एज अ वन सेट, उसको एज अ वन सेट बना देता है. उसमें उस वक्त की तमाम डेटा फाइल्स भी पड़ी होती हैं, उस वक्त तक की जितनी आर्काइव लॉग्स चाहिए होती हैं वो भी पड़ी होती हैं. उसको आप कहीं पे किसी भी डिवाइस के ऊपर राइट डाउन करके एज अ वन टाइम रख लें, जब कल को डेटाबेस क्लोनिंग करने लगे तो वो सिंपल उस वक्त तक की आप क्लोनिंग कर सकते हैं. दिस वन इज अ क्वाइट बिग बेनिफिट ऑफ आर्काइवल बैकअप. लेकिन आर्काइवल बैकअप बनेगा तभी जब आप लोग यूज करेंगे ये रिकवरी कैटलॉग, एल्स नहीं. वेरी लार्ज डेटाबेस में यूजुअली होता है कि डेटा फाइल का साइज मैक्स 128 टेराबाइट का हो सकता है. 128 टेराबाइट, इफ यू हैव लाइक अ टेप रैप्टर लाइब्रेरी या टेप रैप्टर स्पिनर है आपके पास, तो वी कैन यूज मल्टी सेक्शन बैकअप. मल्टी सेक्शन बैकअप ये होता है कि अगर आपके पास डेटा फाइल बहुत बड़ी है, लाइक 1 टेराबाइट या अबव 1 टेराबाइट की है, लाइक 128 टेराबाइट इज अ मैक्स, सो आई कैन इनिशिएट. लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि जितने सेक्शंस बनाने लगे हैं उतने ही डेडिकेटेड स्पिनर्स SBT पे अवेलेबल हों, या टेप अगर डिस्क के ऊपर लिखते हैं तो डिस्क के ऊपर उतने ही डिफरेंट लोकेशंस आपके पास अवेलेबल हों. पैरेलल, ये बेसिकली पैरेलल क्लॉज है कि एक फाइल को हम ब्रेकअप कर रहे हैं. कितने सेक्शंस में कर सकते हैं? 256 सेक्शंस में मैक्स मैक्स कर सकते हैं. और ये फीचर 11G रिलीज 11.0.0.0.0.0 से अवेलेबल है. यू कैन राइट लाइक दिस वन, बैकअप डेटा फाइल नंबर 5, सेक्शन साइज बता दें 25 मेगाबाइट. अब एक फाइल है मेरी, से आप ये कमांड देते हैं, एक फाइल है 100 मेगाबाइट की, तो उसके कितने सेक्शन बन जाएंगे? 4. हर सेक्शन कितने का? 25 मेगाबाइट का. अगर आपने लिखा है जी के 25 मेगाबाइट और उसका साइज है 110 मेगाबाइट, तो अब कितने सेक्शन बनेंगे? पहले 4 बन रहे थे, डेफिनेटली पहले 4 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये तो बन जाएंगे 25-25 मेगाबाइट के ना. 110 में से 25 मेगाबाइट के हर एक बना तो कितना, 100 मेगाबाइट पूरा हो गया, बाकी कितना बच गया? 10 मेगाबाइट. जो लास्ट वन सेक्शन 5 होगा वो कितने का बनेगा? 10 मेगाबाइट का. इसलिए ये देखिए, ये पिक्चर भी अगर आप गौर से देखें तो जो लास्ट सेक्शन होता है ना उसका साइज बाकी सेक्शंस के इक्विवेलेंट नहीं रखा गया, क्योंकि जो सारे पहले वाले जितने सेक्शंस होते हैं वो तो श्योर होता है कि एक ही साइज के होंगे, जो लास्ट वन सेक्शन होता है उसमें रिमेनिंग साइज जाता है. अब जैसे आपने यहां पे लिखा हुआ 25 मेगाबाइट, अगर फाइल होती 100 मेगाबाइट के तो पूरे 4 सेक्शन बनते 25 मेगाबाइट के. फाइल है 110 मेगाबाइट की, 5 सेक्शन बनेंगे, 4 25 मेगाबाइट के, आखिरी में जितनी जगह बच जाएगी. मल्टी सेक्शन बेसिकली ये
SBT के लिए आता है। हमारे पास ऐसी टेप लाइब्रेरीज होती हैं विच आर कैपेबल एनफ के वो एक फाइल को, अब जैसे ये मैंने सेक्शन 6 है, मेरी एक फाइल ये 1 TB की है एंड इट्स टेकिंग 15 मिनट्स टू कॉपी पेस्ट। मैं बनाता हूँ 6 सेक्शन तो इट वुड टेक 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 6। अगर वो पहले 15 मिनट लेती थी जॉब तो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 6 कर लें, ये तकरीबन 2 एवरेज 2 मिनट के ऊपर चला जाएगा। और 2 मिनट के अंदर अंदर बजाय 15 मिनट की जगह ये 2 मिनट के अंदर अंदर सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सो इट्स बेसिकली ए पैरलाइजेशन, लेकिन इसके लिए MML 2.0 या अबव चाहिए होती है आपको, मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी 2.0 और अबव, बिकॉज मीडिया मैनेजमेंट लाइब्रेरी 2.0 एंड अबव इज कैपेबल एनफ के वो मल्टी सेक्शन में ब्रेकअप कर सकती है किसी फाइल को, एल्स फाइल की मल्टी ब्रेकअप नहीं हो सकता। देन अनदर वन इज कॉम्प्रेस्ड बैकअप, इनक्रिप्टेड बैकअप। ये हमारे चंद एक छोटे छोटे से आगे और इसके इन डेप्थ स्टडी है। आंधी वगैरह आई है, बारिश है, आंधी आधे घंटे के अंदर अंदर निकल जाए, नहीं तो ऊपर पानी जो है ना, देख लेते हैं भी जाके बाहर के बारिश है कि आंधी है।